going to help us a lot to understand the concept, because now we learned how to pass the journal entries, how we were adjusting the things in our journal entries when we were paying the tax to the government. So first column he has made. पहले तो इतनी बात मेरे को सोच समझ के बताओ, whether the output was more or input was more in most of the cases. आउटपुट ज्यादा होता, वैसे तो यही होना चाहिए कि आउटपुट ज्यादा हो अगर आप सारे का सारा सामान बेच दो. मीन्स अगर आपने 1000 यूनिट्स खरीदे हैं किसी भी प्रोडक्ट के और 1000 के 1000 बिक जाते हैं तो आउटपुट ज्यादा हो, राइट? बट अगर 1000 यूनिट आपने खरीदे हैं और अभी तक 700 ही बिके हैं, 300 यूनिट अगर आपके पास अभी पड़े हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका आउटपुट ज्यादा हो, उस केस में इनपुट ज्यादा हो सकता है. एम आई क्लियर? मीन्स दोनों केसेस होने की पॉसिबिलिटी है. अगर तो सारे का सारा सामान बिक जाता है, ऑब्वियस है आप प्रॉफिट पे बेचोगे तो आउटपुट ही ज्यादा होगा, ठीक है? और हम एंट्री में क्या किया करते थे, आउटपुट को डेबिट किया करते थे और इनपुट को क्रेडिट किया करते थे. अगर आउटपुट ज्यादा है तो गवर्नमेंट को पे कर दो, उसने यही लाइन लिखी है. पहले कहता, पहले आउटपुट को किस इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करो, आईजीएसटी अपनी फैमिली के अगेंस्ट एडजस्ट करो. अगर आउटपुट का कुछ पार्ट बच जाता है तो क्या करो, Yes, if something is being left, तो क्या करो, CGST के against adjust करो. अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो SGST के against करो. अगर फिर भी बच जाता है तो government को pay करो. नीचे उसने लिखा है, if output IGST credit is more to pay, तो pay कर दो. अगर output ज्यादा है तो pay कर दो. मान लो reverse हो, अगर input ज्यादा है तो pay तो कुछ नहीं करना बनता, हम already ज्यादा pay कर चुके हैं, तो अगले quarter में adjust हो जाएगा, उसे carry forward करो. क्यों कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि अभी तक आपका पूरा सामान बिका ही नहीं है, तो अगले क्वार्टर में बिक जाएगा ना वो. जैसे मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल यू बॉट 1000 यूनिट्स ऑफ वन प्रोजेक्ट बट यू जस्ट सोल्ड 700, तो अब बाकी जो 300 बचा अगली बार बिक जाएगा. तो गवर्नमेंट से वापस लेने की जरूरत नहीं होती भाई, वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड वर्ड अब हमारे अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है, उसे अगले क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है? अगली बार उसे एडजस्ट कर लेंगे. और कुछ ऐसी ही एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 है, दैट वी विल डिस्कस हाउ द थिंग्स आर बीइंग कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड वाला कांसेप्ट समझ आ गया? क्योंकि द डे आई बिगिन द चैप्टर यू आर हैविंग दिस कंफ्यूजन कि मैम अगर इनपुट ज्यादा हो तो क्या करें, इनपुट की वापसी नहीं लेनी, दैट इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टर्म यू नो. जैसे आपका वेटेज बेस्ड रिजल्ट बना है प्लस वन का, तो जितना भी आपका फर्स्ट पीटी में आया, वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड इट. हम लोग उसको फाइनल रिजल्ट तक लेके जाएंगे वेटेज उसकी. तो सेम, इफ एक्सेस इनपुट इज देयर, वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड इट, राइट? अब अगली सारी टर्म्स ऐसी ही हैं. आगे क्या कहता है, लेट्स सी. नाउ एडजस्ट इट अगेंस्ट, बोलो पहले किसके अगेंस्ट एडजस्ट करें भाई, टेल मी. उसकी फैमिली में से तो इनपुट सीजीएसटी इज देयर, दैट इज फर्स्टली टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट. बोलो आउटपुट सीजीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी और कुछ नहीं, एससीएसटी इसके अगेंस्ट नहीं होता. कुछ बच जाएगा तो आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है? फिर से वही क्राइटेरिया, इफ आउटपुट इज ग्रेटर तो क्या लिखेंगे, आउटपुट इज ग्रेटर वी विल पे, इफ इनपुट इज ग्रेटर वी विल कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? देखो ये लाइन लिखी, आपको समझ आती है लाइंस? वो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट इज मोर, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट इज मोर मतलब जब आपने बेचा था सामान तो आउटपुट क्रेडिट किया था सेल की एंट्री में. मींस क्रेडिट किया हुआ आउटपुट अगर ज्यादा है तो हम पे करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि योर कलेक्शन इज मोर, यू आर लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट. बट इफ रिवर्स हैपन, और क्या लिखा है, और इफ इनपुट सीजीएसटी दैट इज डेबिटेड. डेबिटेड मींस जब आपने सामान खरीदा था खुद तो आपने इनपुट सीजीएसटी डेबिट किया था, वो अगर ज्यादा है तो उसे क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, बिकॉज ऑलरेडी आप गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर चुके हो, कलेक्शन तो बहुत कम हुई. गेटिंग इट? अब अगला बताओ, फर्स्ट एडजस्ट इट अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, कुछ बच गया तो आउटपुट आईजीएसटी, और अगर अगर आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिटेड ग्रेटर है तो गवर्नमेंट को पे कर देना, अगर इनपुट एसजीएसटी क्या है, डेबिट किया हुआ ज्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड कर. टेबल इज क्लियर? अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम ने टेबल तो हमें बताया नहीं था. सो व्हाट एवर ही रोट इन द टेबल दैट आई एक्सप्लेन टू यू, ठीक है? आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ग्रेटर का साइन ऐसे डाल लो. इफ आउटपुट इज ग्रेटर, बोलो आउटपुट क्रेडिट इज ग्रेटर देन इनपुट देन पे लीड्स टू पेमेंट. इफ रिवर्स हैपन, बोलो सबके साथ ऐसे ही जाएगा, इफ इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट देन कैरी फॉरवर्ड, सी एफ, वी कॉल इट सी एफ.
in our accounts terminology. Any doubt to anyone? So this type of question can be framed for your MCQ as well. What to do with the excess? How the excess is to be dealt with? This point should be clear enough in your mind. Done? Aap panchon ki panchon examples aapko easily samajh aayengi. Everything I will write on the board and you will suggest me the case how it is to be dealt with. आप मेरे को बताओगे कि इसके साथ हम लोगों को कैसे डील करना है. लेट्स सी एग्जांपल नंबर वन. कम एट एग्जांपल नंबर वन एवरीवन. पढ़ो जरा, समझ आता है? दोनों एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट नहीं है. पहले में वो आउटपुट की बात करता है, दूसरे में वो इनपुट की बात करता है. सो व्हाट ही इज गिविंग, आउटपुट के साथ वर्ड लायबिलिटी लिखना ठीक है ना? Because output you used to collect from your customer and you are supposed to liable to pay to government. So, ठीक लिखा ना, tax liability output. Output CGST आपको दे रखा है question में 35,000. और क्योंकि इसका twin है output STST, वो भी 35,000. नीचे input दे रखा है same question में CGST 30 और input STST भी उसका twin है, वो भी 30,000. ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है? हाउ यू विल एडजस्ट इट, बोलो जी. अब तो हम एंट्री से भी बता सकते हैं, बाद में मैं थ्योरी पढ़ के बताती हूँ. एंट्री बनेगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी. आईजीएसटी क्वेश्चन में कोई है नहीं, कुछ नहीं है ना, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है ना, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्योंकि ज्यादा है ना. आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, तो पे करना अभी सिखाया. ओ इज ग्रेटर देन आई देन पे. ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया. एज द आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, द बैलेंस 5,000 वी विल पे टू द गवर्नमेंट अबाउट सीजीएसटी. व्हाट अबाउट एसजीएसटी? सेम, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, बैलेंस 5,000 आई विल पे टू द गवर्नमेंट. सेम लिखा होगा उसने जो मैंने बोला. देखो जी पढ़ो, एज पर जीएसटी एक्ट फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी 35,000. After setting up, there is a balance of 5,000 as output CGST credit. This should be paid in cash through electronic cash ledger. Any doubt to anyone? 5,000 ka difference government ko pay karna banta hai na, to yahi likha na usne. Terminology you should understand. Agle paragraph mein bhi to same hi likha. Sirf naam change kar diya, CGST ki jagah STST likh diya. Pehle kehta input STST, that is 30,000 is to be adjusted against 35,000, but I do have excess of it. I am liable to pay rest of the amount to the government. बाकी जो 5,000 है मेरे को government को क्या करवाना है? Deposit करवाना है, right? So through electronic ledger account, we will be depositing that 5,000 to the government. Got it? So this is the way. आगे पढ़ते हैं. See the next question. देखते हैं first और second में क्या difference है. This is a CGST output. Output को मैं OT लिख रही हूँ. 35,000. फिर से आउटपुट एस टी एस टी सेम ही बनाया 35,000. फिर उसने इनपुट आई टी आई एम राइटिंग सी जी एस टी 30,000. फिर से आई टी एस टी एस टी, यहां तक सेम क्वेश्चन. फिर उसने लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट आई जी एस टी इज 25,000. What is the meaning of opening balance of input IGST? Means पिछले साल का carry forward है, जो पिछले साल नहीं पिछले quarter का, क्योंकि तीन तीन महीने के बाद हम GST pay करते हैं. It means कि ये पिछली बार adjust नहीं हुआ था, पिछली बार का ये excess है. ठीक है, अब इस IGST का right इन दोनों के against adjust होने का है. मैं entry करके बताऊंगी, then we will see. फिर theory पढ़ेंगे, फिर entry करने के बाद मैं theory में points बोलूंगी, फिर book की language के साथ match करेंगे. चलिए जी करवाइए मेरे को एंट्री. पहले आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट करें. पहले आउटपुट सीजीएसटी ही बनता है, आईजीएसटी वैसे आउटपुट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, इनपुट है ना, वो भी पिछले साल का. पिछला साल मीन्स पिछले क्वार्टर का. ठीक है, चलो जी दोनों एंट्रीज करो. आउटपुट सीजीएसटी डेबिटेड टू, पहले अपनी फैमिली को एडजस्ट करवाएगा आउटपुट सीजीएसटी, सॉरी इनपुट सीजीएसटी. सो आउटपुट दिस वॉज 35,000, दिस इज 30,000. ये 25,000 मेरे पास पड़ा है, यहाँ पे 5,000 का बैलेंस मेरे पास बचा है. मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं पे करूंगी, मैं अपना आईजीएसटी एडजस्ट करूंगी, क्योंकि ये पिछले क्वार्टर का कैरी फॉरवर्ड हुआ हुआ है. अब इसका राइट बनता है ना कि इस क्वार्टर में एडजस्ट कर लें.
ठीक है, और वैसे भी सेकंड टर्न ही किसकी आती है, आईजीएसटी की, बट इट इज इन एक्सेस विद मी, मैं मेरे पास सिर्फ 5,000 की पॉसिबिलिटी है कि मैं एडजस्ट करूं, मींस इसमें से गवर्नमेंट को कुछ नहीं पे हुआ, इसका अभी भी 20,000 बचा हुआ, अभी भी 20,000 बचा है, बाकी 5,000 एससीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, अभी भी कैरी फॉरवर्ड आप 15,000 करो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5-5 दोनों में एक्सेस था, 5 सीजीएससी के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, 5 अगली एंट्री में एससीएससी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। अगर कोई अभी भी पूछे आपको कि आपका आईजीएसटी इनपुट का कोई बैलेंस है, यस यू विल से, और ये एमसीक्यू बनेगा, हाउ मच बैलेंस स्टिल इज टू बी कैरी फॉरवर्ड आउट ऑफ आईजीएसटी, दैट इज 10,000। सो सेम क्वेश्चन ही विल बी पुटिंग इन योर एमसीक्यू एंड देयर बाय यू नीड टू कैलकुलेट, और वो तभी आता होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो। विल वी कैरी फॉरवर्ड एनी अमाउंट, एक होगा नो, नथिंग इज टू बी कैरी फॉरवर्ड, एक होगा 10,000, एक होगा 25,000 का 25,000, और एक होगा 15,000, यू विल पुट द टिक ऑन 15,000, इजंट इट? अगली एंट्री करवाओ, बताओ अगली एससी एसटी की आउटपुट, तो ठीक सीक्वेंस फॉलो किया ना मैंने, फिर मैंने पहले क्या करवाया आपको सारी एंट्रीज, अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, अदरवाइज अगर मैं पहले ये कॉन्सेप्ट समझाती आपको समझ नहीं आना, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इंटेंशनली आई लेफ्ट एंड देन आई स्टार्टेड द जर्नल एंट्रीज, नाउ आई एम पिकिंग दिस अगेन, ताकि आपको, क्योंकि एंट्रीज आ चुकी हैं, एंट्रीज की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट समझ आना आसान रहता है। आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, अब ये 35 है, पहले ये अपनी फैमिली को एडजस्ट करवाएगा, 5,000 अभी भी एक्सेस है, गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका आईजीएसटी का बैलेंस चल रहा है, ऑलरेडी आप तो गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर चुके हो, तो आप एडजस्ट कर लो ना वो ज्यादा वाला, टू इनपुट आईजीएसटी दैट इज 5,000। So how much still is to be carried forward? 25 में से 5 यहाँ पे एडजस्ट हुआ, 5 यहाँ पे एडजस्ट हुआ, 15,000 अभी भी कैरी फॉरवर्ड करना। अब जो कुछ मैंने बोला है यही उसने लिखा, तो वो एंट्रीज नहीं कर रहा, एंट्रीज मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है? पढ़ो जी, एज पर जीएसटी एक्ट, कौन से साल में बना होगा जीएसटी एक्ट? 16 में प्रपोजल हुआ था, 2017 में एक्ट पास, प्रपोजल यू नो, कोई भी एक्ट नया बनता है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रपोजल होते हैं, भाई वोटिंग होती है, जहां पे मेजोरिटी करती है वोट, उस हिसाब से प्रपोजल पास हो जाता है, और फिर उस प्रपोजल को एक्ट बनाने के लिए आपने स्विच में पढ़ा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जाता है कि दोनों हाउसेस में से ये पास हो चुका है, अब आपकी स्टैंप की जरूरत है, वी नीड योर परमिशन, ठीक है? और उसके बाद वो जो हमारा प्रपोजल है लॉ बनता है, एक्ट बनता है, राइट? सो दिस इज व्हाट एज पर जीएसटी फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी 30,000, ये मैंने कर दिया, आफ्टर सेटिंग ऑफ देयर इज अ बैलेंस ऑफ 5,000, गवर्नमेंट को नहीं जमा करवाना, क्या करें, दिस बैलेंस ऑफ 5,000 शुड बी सेट ऑफ विद इनपुट आईजीएसटी, मैंने कर दिया, वी आर लेफ्ट विद हाउ मच, 25 में से 5 एडजस्ट हो गया, 20,000 अभी भी बाकी है, अगले पैराग्राफ में क्या लिखा, सेट ऑफ, फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी रुपीज 30,000, आउट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी 35,000, 5,000 जो बैलेंस है वो इनपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट करो, आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से 5,000 यहाँ पे एडजस्ट हुआ, अभी भी 15,000 कैरी फॉरवर्ड है, देखो यही लिखा अगले पेज पे, ठीक है जी? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड अबाउट टेबल? किसी को कुछ पूछना है? शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट? थर्ड एग्जांपल पढ़ो, देखो कुछ डिफरेंस लगता है, रीड थर्ड एग्जाम्पल एवरीवन। इनपुट आउटपुट लिखो उसका, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, आउटपुट ओटी सीजीएसटी इज 35,000, ओटी एसजीएसटी 30,000, sorry, 35,000 ट्वेन ही है, देन इनपुट सीजीएसटी 30, यहां तक सारा सेम बनाया, इनपुट एसजीएसटी 30, अब की बार ओपनिंग बैलेंस आईजीएसटी का नहीं है, ओपनिंग बैलेंस है इनपुट का, और वो भी सीजीएसटी का 15,000। क्या करें, इनपुट का, इनपुट कौन सा, सीजीएसटी, इसका राइट सिर्फ सीजीएसटी के अगेंस्ट,
ये कहीं और नहीं एडजस्ट हो सकता, याद कर लो टेबल को। आईजीएसटी कैन बी एडजस्टेड अगेन इटसेल्फ, आउटपुट अपने आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट भी एडजस्ट होता है, आउटपुट एससीएसटी के अगेंस्ट भी एडजस्ट होता है, पर जो इनपुट इस ओपनिंग बैलेंस का मतलब है पिछले साल का ये चल रहा है या पिछले क्वार्टर का ये चल रहा है, पिछले क्वार्टर में आप इनपुट सीजीएसटी ज्यादा पे कर चुके थे, वो एडजस्ट नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड, सो इट हैज राइट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट दिस ओनली ना। ठीक है, आप मेरे को पहले एंट्री करवाओ फिर वर्डिंग पढ़ते हैं उसमें। बोलो जी, आउटपुट सीजीएसटी डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी, दिस इज 35, दिस इज 30। ठीक है, तो ये जो पुराना चल रहा है ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। जरा पढ़ो, गवर्नमेंट को कुछ भी जमा नहीं होगा, 15,000 में से 5,000 एडजस्ट हो जाएगा, 10,000 मेरे हिसाब से अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा। देखते हैं उसने क्या लिखा। एज पर जीएसटी एक्ट फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी 30,000 अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी 35,000, आफ्टर सेटिंग ऑफ देयर इज अ बैलेंस ऑफ 5,000, दिस बैलेंस ऑफ 5,000 शुड बी सेट ऑफ विद इनपुट सीजीएसटी बैलेंस ऑफ 15,000, और अभी भी हमारे पास 10,000 बच जाएगा जो कैरी फॉरवर्ड होगा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो यहां पे क्या करें, टू इनपुट वर्ड ही लिखना है ब्रैकेट में एग्जामिनर को बताने के लिए, ये सीएफ वाला बैलेंस, या दोनों को कंबाइन करके लिख लो, दोनों इनपुट इनपुट ही तो है, वो तो मैं बता रही हूँ ये इस क्वार्टर का अपना है और ये 5,000 पिछले क्वार्टर का मैंने एडजस्ट किया। मीन्स इस साल भी या इस क्वार्टर भी आपने गवर्नमेंट को कुछ भी जमा नहीं करवाना, बिकॉज ऑलरेडी यू पेड इन एक्सेस, 15,000 ऑलरेडी एक्सेस चल रहा है, अब टाइम है कि उसे एडजस्ट करें। अभी भी 10,000 अगले क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड होगा। अगली एंट्री बोलो, एससीएसटी की एंट्री बोलो जल्दी से, एससीएसटी की एंट्री बोलो, एससीएसटी की एंट्री बोलो, ये है एससीएसटी आउटपुट, ये है इनपुट, एंट्री बोलो। आउटपुट ही सेज आउटपुट एससीएसटी डेबिटेड 35,000, आगे बोलो, टू इनपुट एससीएसटी कितना 30,000, बाकी क्या करो वो चाहिए मेरे को, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भाई पे कर दो, देखो यही लिखा है 5,000 एक्सेस है गवर्नमेंट को पे कर दो। इज इट क्लियर? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीजीएसटी ऑफ इनपुट कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का जो इनपुट है वो आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। दिस थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड फॉर एवर। अब अगला आप 2 मिनट लो और सोचो, वो मेरे को बताओ। अगली बार मैं आपको हिंट बता देती हूँ, इनपुट का इनपुट एससीएसटी का ओपनिंग बैलेंस चल रहा है, इनपुट एससीएसटी का ओपनिंग बैलेंस चल रहा है फोर्थ में, देखो जरा कैसे सोचोगे, बाकी सारा कुछ सेम है, मैं बिना पढ़े सारी स्टेटमेंट लिखने लगी हूँ एंड यू विल टेल मी हाउ टू एडजस्ट, ताकि मेरे को समझ आए कि आपको कॉन्सेप्ट गेन हो गया है। सो व्हाट ही इज गिविंग, आउटपुट सीजीएसटी वंस अगेन सेम 35,000, आउटपुट एससीएसटी उसका 20 सेम 35,000, दिस इज 5/5, देन ही इज गिविंग इनपुट सीजीएसटी 30,000, देन ही इज गिविंग इनपुट एससीएसटी 30,000, ओपनिंग बैलेंस कितना है बस वो देख लूं मैं, 15, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट, इनपुट ही हमेशा ज्यादा पे किया होता है उसी का बैलेंस आता है हमेशा, एससीएसटी 15। चलो रेस योर हैंड फर्स्टली, देखो किस किस को समझ आ, मतलब नो वॉलंटियर्स, नो कॉन्फिडेंस एट ऑल, ये फर्स्ट रो तीनों बॉयज, गुड वेरी गुड। चलो मोहित बोलो, आप बोलो बोलो बोलो, ऊंचा मास थोड़ा सा रिमूव करके बोलो, हाँ बोलो, गुड 35 डन, टू 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 इनपुट सीजीएसटी 30 है ना, फिर बिल्कुल ठीक है, गुड। कुछ भी कैरी फॉरवर्ड वाला बैलेंस इसके अगेंस्ट एडजस्ट ही नहीं होना, बैठ जाओ, हैड देयर बीन इनपुट आईजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस तो मैं एडजस्ट करती, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड मीन्स वो किसी के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। सो पहली एंट्री बिल्कुल ठीक बोली मोहित ने, दैट इज आउटपुट सीजीएसटी 35,000,
टू इनपुट, बोलो सीजीएसटी 30,000, 5,000 जो एक्सेस है गवर्नमेंट को जमा करवा दो। पहले पैराग्राफ की वर्डिंग पढ़ लो, यही लिखा है जो हमने एंट्री में किया, वही लिखा एक्सेस 5,000 इज टू बी पेड, डन टू इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, दैट इज फाइव। चलो दीपांशु नेक्स्ट बोलो, एसटीएसटी एडजस्ट करवाओ। ओके मैंने इसी को चेंज कर दिया, आउटपुट एसटीएसटी टू इनपुट एसटीएसटी। अच्छा जी गुड, इसका जो इनपुट पड़ा कुछ भी गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाना, इनपुट है पुराना इनपुट पड़ा हुआ है उस पुराने, यस कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नहीं है, पूरा इनपुट ही मेरा 35 का 35 है। 15 में से 5 एडजस्ट हो गया, 10,000 अभी भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, सेकंड पैराग्राफ में यही लिख। अब की बार इनपुट किसका एक्सेस चल रहा है, एससीएसटी का, सो दैट इनपुट एससीएसटी इज सपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट एससीएसटी ऑफ दिस क्वार्टर। इज इट क्लियर, सिखाया हुआ है ना, इफ आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट देन पे, इफ इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट देन कैरी फॉरवर्ड इट, इफ द कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ लास्ट क्वार्टर इज देयर देन एडजस्टेड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव जीएसटीज। लाइक एससीएसटी है तो एससीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, बट आईजीएसटी इज एन एक्सेप्शनल केस दैट कैन ईदर बी एडजस्टेड थ्रू सीजीएसटी और थ्रू एससीएसटी और विद द हेल्प ऑफ बोथ। ठीक है मेरी वर्डिंग, एनी डाउट टू एनीवन? फिफ्थ करना शुरू करो, फिफ्थ करो। आई वाज टॉकिंग कि 5 पार्ट्स हैं पर 6 हैं, फिफ्थ देखो क्या है। अभी सर ना मैंने आपसे पूछना है, आपकी टर्न है, सो बी श्योर अबाउट द टर्म्स, यू हैव द बुक विद यू, फिफ्थ एग्जांपल पढ़ के करना शुरू करो और मेरे को बताना है आपने। वेकअप सिड मूवी थी कि गाना था, मूवी थी है ना, हाँ तो दिस इज वेकअप अभी, वेकअप सिड मीन्स वेकअप अभी, सेम है। आउटपुट सीजीएसटी 35, इसका ट्विन आउटपुट भी सेम, एसटीएसटी सेम 35, इनपुट भी सेम, सीजीएसटी 39, हाँ इस बार 20 है, ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन बनाया फिर से, और इनपुट एससीएसटी भी 20। आईजीएसटी का इनपुट का गुड, इनपुट आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस है, मीन्स पिछले साल अगर कैरी फॉरवर्ड था तो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड है, ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है। बीएफ मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस मीन्स ओपनिंग बैलेंस। चलो अभी बोलो जी, अभी आपने मास्क थोड़ा सा रिमूव करना है और फिर बोलना है, बोलो। अभी बैठ जाओ, आउटपुट सीजीएसटी 35,000, बाद में कुछ रिमूव करना पड़ेगा तो करेंगे, पहले बनाते हैं। टू इनपुट सीजीएसटी 20, मेरा तो इसका 15 पड़ा है, तो मेरे पास आईजीएसटी भी तो है, आईजीएसटी 20,000 है, उस 20 में से 15 इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूं, मेरा राइट है ना आईजीएसटी का इस पे, तो क्या लिखेंगे, टू इनपुट आईजीएसटी गवर्नमेंट को नहीं जमा करवाएंगे, दैट इज 50, डन। अभी भी 5 कैरी फॉरवर्ड पड़ा है, वो 5 एससीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 15 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, 5 अगले वाले में मैं एडजस्ट कर लूंगी तो मेरे पास बचना ही कुछ नहीं है, मीन्स इनपुट पिछले वाला सारा एडजस्ट हो जाएगा। एससीएसटी की एंट्री करवाओ, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, दिस इज 35, दिस इज 20। यहां पे गवर्नमेंट को करवाना बनता है भाई, क्योंकि 5 ही तो इसका बचा है। टू इनपुट आईजीएसटी 5, तो मेरा तो टोटल ग्रैंड टोटल डेबिट का कितना है 35, 25 एडजस्ट हुआ इनपुट के अगेंस्ट, बाकी 10,000 गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन? नो, सो दिस इज द वे। अब मेरे को लगता है मेरे को भी, आपको क्योंकि समझ आ गया तो मेरे को लगता है कि यस आई हैव द नाउ बिग क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, बिकॉज जीएसटी फ्रॉम द लास्ट ईयर दैट वॉज ऑल्सो न्यू फॉर अस, और ये चैप्टर ही इसी बुक में इसने इंट्रोड्यूस किया, लास्ट वाली बुक में शायद नहीं है, उसने अलग से जीएसटी का नहीं बनाया था, ठीक है। चले सिक्स्थ पढ़ना शुरू करो,
सिक्स्थ पढ़ो, देखो उसमें क्या है अलग से. एग्जाम्पल नंबर सिक्स नाउ वी विल डू, देन वी विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर. इतना ही डाइजेस्ट कर पाओगे. एक टेस्ट और होगा जीएसटी का कमिंग मंडे, और कल से लेक्चर स्टार्ट करेंगे. दिस इज आउटपुट सी जीएसटी, फिर से सेम 35,000, इसका ट्विन सिस्टर और ब्रदर भी सेम. आउटपुट एस जी एस टी 35, आपकी बार इनपुट दोनों का 25-25 है, 25, एस जी एस टी भी 25. ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई जी एस टी मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, आई जी एस टी का इनपुट है वो तो श्योर ही. चलो जी मिस्टर कुंद्रा बोलिए पहली एंट्री, स्पीक अप फर्स्ट एंट्री करो जी एडजस्ट. फिर थेरी पढ़ लेना, जो मैं एंट्री में करूंगी वही वो थेरी में लिखता है. बोलो कुंद्रा साहब, क्यों जब मैं बोर्ड पे लिख रही थी तब क्यों नहीं पढ़ा? नलिना बोलो. आउटपुट सी जी एस टी 35,000 टू, बोलो इनपुट सी जी एस टी 20,000. 10,000 बचा, ये मेरा 20,000 का बैलेंस चल रहा है, इसमें से 10,000 इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूं, बिकॉज आई जी एस टी कैन बोथ बी इधर बी एडजस्टेड फ्रॉम सी जी एस टी और एस जी एस टी और बोथ. ठीक है, टू वॉट इनपुट आई जी एस टी टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल, दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000. अभी भी इसका 10,000, बाकी 10,000 किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा? एस जी एस टी के अगेंस्ट. इसका क्वेरी फॉरवर्ड खत्म, और गवर्नमेंट को कुछ भी जमा नहीं करवाया क्योंकि हम पहले गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर चुके हैं, वो ज्यादा पे किया हुआ तो इस बार एडजस्ट कर रहे हैं. राइट, दिस इज व्हाट सेम आई शुड चेंज इट, एसटी एसटी. अब ठीक है बस खत्म, सेकेंड एंट्री विल बी लाइक दिस, सो इट शुड नाउ बी थॉरली क्लियर टू यू. ठीक, चलिए जी, एनफ फॉर टुडे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे.